डर मैं भी गया था फासला देखकर, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मैं भी गया था फासला देखकर, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मंजिल नजदीक आती गई मेरी, मेरा ये हौसला देखकर। और इसी हौसले को लेकर, इसी जज्बे को लेकर आवाज़ न्यूज 24 हमेशा आपके सम्मान के लिए, आपके प्यार के लिए कटिबद्ध था, कटिबद्ध है, कटिबद्ध रहेगा। क्योंकि ना दबी है आवाज मेरी, ना दबे की आवाज मेरी, ये आवाज हमेशा बुलंद थी, बुलंद है और बुलंद रहेगी। चाहे बात मान सम्मान की हो, चाहे बात सभ्यता की हो, चाहे बात संस्कृति की हो, आवाज न्यूज 24 टीवी चैनल हमेशा अपने सिद्धांतों पर काम किया है। चाहे बात पुलिस की हो, या बात पब्लिक की हो, या बात पॉलिटिक्स की हो, हमेशा P3 और C3 पे हमने काम किया है। चाहे बात क्रिमिनल की हो, या बात कंट्रोवर्सी की हो, या बात क्राइम की हो, हर मुद्दे को जज्बात के साथ मैंने उठाया, हर मुद्दे को शिद्दत के साथ मैंने उठाया, प्रशासन के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाया। इसलिए यह आवाज न्यूज 24 आपका पसंदीदा और लोकप्रिय चैनल बनता जा रहा है। कल भागलोटा के अंदर आवाज न्यूज के शिल्पकार मेरे साथी, मेरे भाई हंसराज लाखीवाल और सुमित शर्मा को कार्यभार सौंपा गया। यह जज्बा था एक देश के प्रति, यह जज्बा है एक सब निर्माण के प्रति, यह जज्बा है अपने अंदर एक ऐसी काबिलियत पैदा करना जिससे परिवार, समाज और देश का नाम रोशन कर सके। उसी लक्ष्य को लेकर आवाज न्यूज 24 ने भरतपुर के अंदर अपनी ब्रांच का उद्घाटन किया, आगरा में किया, प्रतापनगर में, जयपुर में होने जा रहा है और कल भाकरोटा में भव्य शुभारंभ किया गया। आप सभी आवाज के दर्शकों से, मैं पवन कुमार भार्गव मैनेजिंग डायरेक्टर, आप सभी लोगों से अपील करता हूं, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि यह आवाज या आपका आवाज है, आपके प्यार सहयोग के लिए हमेशा मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपके चरणों में नमन करता हूं। बस इसी प्रकार से आपका प्यार हमें मिलता रहे और आवाज आगे बढ़ता रहे। दिखाते हैं भाकरोटा के भव्य शुभारंभ की झलकियां, जहां जनसेवक कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज ने शिरकत की, साथ ही कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की और आवाज को आशीर्वाद देकर इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करने के लिए उन लोगों का सहयोग और प्यार मुझे मिलता रहा। का विषय है कि आज आवाज का फिर से एक बार हुआ है आगाज और आवाज का डंका एक बार फिर से जोरों से बजने वाला है। आवाज की धूम और आवाज की आगाज से पूरा जयपुर शहर फिर से एक बार झूमने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त हम लोग आ पहुंचे हैं भाकरोटा, जहां पे आवाज न्यूज 24 के परिवार का विस्तार हो रहा है और आवाज न्यूज 24 की फिर से एक और जो शाखा है उसके उद्घाटन के कार्यक्रम में हम आ पहुंचे हैं। इसी श्रृंखला में आपको बता दें कि आज आवाज न्यूज 24 के MD मिस्टर आशीष कुमार, आवाज न्यूज 24 के MD मिस्टर पवन कुमार के द्वारा भाकरोटा ब्रांच का कार्यभार ब्रांच हेड के रूप में हंसराज जी को और मिस्टर सुमित को सौंपा गया है। और आवाज़ न्यूज़ आपसे यही अपेक्षा करता है कि आप आवाज़ न्यूज़ परिवार का विस्तार करने में और कार्यभार को अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाने में पूरा सहयोग करेंगे। इसी श्रृंखला में बता दें कि आज भाकरोटा में आवाज़ न्यूज़ 24 के ब्रांच का जो शुभारंभ किया गया है, इस कड़ी में हमारे साथ कुछ विशिष्ट अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम आपको जल्द से जल्द रूबरू भी कराएंगे, परिचय भी कराएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस समय हमारे साथ जो हैं CRPF के जवान मिस्टर मदनलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मिस्टर रामजीलाल लील जुड़े हुए हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, इसी श्रृंखला में इनके साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ ललित जी हमारे साथ जुड़े हैं जिला कांग्रेस कमेटी से, साथ ही साथ मानसरोवर से जो है ललित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये जो है मानसरोवर के ब्लॉक कमेटी से जुड़े हैं हमारे साथ। तो जानकारी के लिए और इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज आवाज़ न्यूज़ के साथ ये जुड़े हैं और इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हुए हैं इन ये किस तरीके से सभी लोगों को आशीर्वाद देंगे। चले जुड़ते हैं मिस्टर रामजीलाल लील के साथ में और करते हैं इनसे विशेष बातचीत। मैडम नमस्ते, सबसे पहले तो मैं आवाज न्यूज के आज इस भाकरोटा में कार्यालय के उद्घाटन समारोह में यहाँ के हेड भाई हंसराज जी लाखीवाल को
बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और इनकी पूरी टीम आवाज़ न्यूज़ की को मैं पूरी तहे दिल से बधाई देता हूँ। मेरा क्षेत्र सांगानेर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से मैं कांग्रेस के जनसेवक के रूप में काम कर रहा हूँ, तो मैं सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपने देखा होगा कि आज देश में कितना माहौल बिगड़ रहा है, आज जो किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके ऊपर एक मिनिस्टर गृह राज्य मंत्री देश का जिसका बेटा कुचल देता है और उनकी मौत हो जाती है, और आज उनको चार चार दिन हो गए कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है उनकी, तो तुरंत ऐसे देश में माहौल बिगड़े हुए हैं, तो इसको तुरंत ही कानून की व्यवस्था होनी चाहिए और उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, चाहे मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, ऐसे माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए। और राजस्थान में आप देख रहे हो ये झूठे षड्यंत्र भाजपा सरकार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन आपके सामने आ रहा है कि बीजेपी के लोग कितनी गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं कि किसानों का सामने एक मृत्यु एक्सीडेंट करके मृत्यु कर देते हैं। और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, इनको ये बार बार ये कहते आ रहे हैं कि आप संभलो सुधरो ध्यान रखो राजस्थान का और देश का भी ध्यान रखो, वो मोदी जी को बार बार सलाह दे रहे हैं कि देश का थोड़ा विशेष ध्यान रखो क्योंकि देश बिल्कुल नीचे जा रहा है स्तर से और इतना माहौल ख़राब हो रहा है देश का। तो इसलिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने यही बताया है कि पूरा देश का ध्यान रखो, और आने वाले जो हमारे दो उपचुनाव है, एक बल्लभ नगर सीट एक दरियाबाद, हम भारी मतों से कांग्रेस को विजय घोषित होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटारस जी के नेतृत्व में कांग्रेस परचम फहराएगी और भारी से भारी बहुमत से दोनों सीटें जीतेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी श्रृंखला में हम लोग जो हैं अब बातचीत करेंगे CRPF के जवान, बहुत ही गर्व का विषय है कि ये भी हमारे साथ जो हैं अभी इस वक्त जुड़े हैं। इनसे जानेंगे कि आज इस आवाज़ न्यूज़ की जो शाखा जो ओपन हुई है भाकरोटा में, इसमें यहाँ के ब्रांच हेड को आप शुभकामनाएँ देने के साथ साथ इनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं नई शाखा खुलने के संबंध में मुख्य यहाँ के हेड हंसराज लाखेवाल साहब को बधाई देना चाहूँगा और साथ साथ आवाज़ न्यूज़ के सभी जो एंकर उनको बधाई देना चाहूँगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत थैंक यू। और इसी श्रृंखला में अभी हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी से और भी जो हैं जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जो महासचिव हैं वो जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी बताइए। मैं सबसे पहले तो आवाज़ न्यूज़ चैनल के MD पवन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमारे बगरू विधानसभा और सांगानेर विधानसभा दोनों क्षेत्र में पास पास में ही भाकरोटा केंद्र है एक नज़दीक, उसमें एक शाखा खोली, क्योंकि आज जो न्यूज़ चैनल होते हैं वो जनता के सुख दुख की आवाज़ उठाते, वरना सरकारें सब अपनी मनमानी करने लग जाए। तो मैं सबसे पहले बधाई इनको देता हूँ जो हंसराज जी लाखीवाल साहब को यहाँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, और हंसराज जी लाखीवाल से भी यही उम्मीद रहेगी कि वो जनता के सुख दुख में और उनकी आवाज़ उठाते रहें, क्योंकि सरकारें आती रहती है जाती रहती है, तो इनमें जनता के अभी किसान आंदोलन चल रहा है उसमें कितना भयंकर किसान कितने साल भर से बैठे हुए हैं फिर भी सरकार नहीं सुन रही, उन पर कानों पर जू तक नहीं रेंग रही, और एक्सीडेंट अभी बताया रामलाल जी ने कि इनका एक्सीडेंट कर देते हैं फिर भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, हत्यारे तो खुले घूम रहे हैं, और प्रियंका जी को 24 घंटे तक बंधक हिरासत में रखा, ये कहाँ का न्याय है? हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वो जो टोनू भैया है उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और मैं फिर हंसराज जी लाखीवाल साहब को बधाई देता हूँ कि वो हमारी बगरू विधानसभा और सांगानेर विधानसभा की सारी समस्याएँ हैं उनको उठाते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में मानसरोवर से ब्लॉक कमेटी के जो हैं सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर ललित जी, इनसे एक बार विशेष रणजीत जी उनसे एक बार बातचीत करेंगे। मैम, मैं सबसे पहले आज इस क्षेत्र में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में अजमेर रोड पे जो आपका News 24 जो चैनल खोला गया है, मुख्य कार्यालय यहाँ जो खोला गया है, इसके पवन जी की तरफ जो हेड है उनको और यहाँ के जो हेड जो है इस कार्यालय के अपने हंसराज लाखीवाल और सुमित जी इन और पूरे स्टाफ को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इस क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए एक बहुत ही आवश्यक इस चीज़ की ज़रूरत थी हम लोगों को इस क्षेत्र की, तो ये आने वाले टाइम में यहाँ की जो जनता की समस्याएं होगी, कोई भी दुख दर्द होगा, कोई अन्याय जहाँ होगा, उस आवाज़ को उठाएंगे और दूर दूर तक देश विदेश में ये जाएगी, तो यहाँ से मतलब आज ये मीडिया के डर से ही ये जो काम हो रहे हैं और जो सरकार या और जो अधिकारी भ्रष्टाचार जो है तो डरते हैं, कोई तो मीडिया से डरते हैं, अन्यथा इस देश के मतलब लुटिया डूबने कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग नहीं हो
तो ये देश नहीं चल सकता। इसलिए हम इस क्षेत्र को ये बहुत शुभ अवसर पे हम आप सभी को बधाई देना चाहते हैं और यहाँ की जनता को बधाई देना चाहते हैं कि ये आप लोगों ने खोला है और हम पूरा इस चीज़ के लिए सहयोग करेंगे। और यहाँ के पत्रकारों को हमारी जितनी भी सेवा होगी हम कार्यकर्ताओं की कांग्रेस की तरफ से और जो भी है जनता के वरिष्ठ लोगों की तरफ से हम लोग करेंगे और हर चीज़ में मदद करेंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि हम लोग जनता के लिए आप जो आवाज़ उठाएंगे यहाँ से और जनता की जो मसीहा बढ़ गया आप लोगों ने यहाँ पे ये काम भी कर रहे हैं, इससे पहले भी काम कर रहे हैं, हमारी आए दिन न्यूज़ जो छपती है हम लोग भी इनको रिपोर्ट करते हैं तो ये हमारे आगे तक पहुँचाते हैं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में ही आपको बता दें कि अभी जो है हम लोग विशेष बातचीत करेंगे, जैसा कि आवाज़ न्यूज़ ने जो कार्यभार सौंपा है ब्रांच हेड के रूप में मिस्टर सुमित शर्मा हंसराज जिला खिलवाड़ को जो कार्यभार सौंपा है, इसी श्रृंखला में उनसे भी विशेष बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके भी रिव्यूज़। तो हंसराज जी, आपके आपको जो है आज आवाज़ न्यूज़ का जो कार्यभार सौंपा गया है, तो आपकी क्या आवाज़ न्यूज़ के प्रति क्या जिम्मेदारियाँ रहने वाली हैं और आप उनको किस तरीके से पूरा करेंगे? जी, मैं आप सबसे पहले तो आवाज़ न्यूज़ की मेरी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे उस ऑफिस में आपके द्वारा जो किया वो सम्मान दिया और ऑफिस के लिए हमारे को अथॉरिटी दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको आभारी हूँ। इसके संबंध में मैं सभी आसपास की जितनी भी न्यूज़ खबर होगी उस लिंकअप में आपके न्यूज़ के चैनल के द्वारा उजागर करूँगा, उनका सबका सम्मान करूँगा, हर तरह से मदद करूँगा। मैं एक निष्ठावान तरीके से मेरे भाई सुमित शर्मा है, उनका भी मैं सहयोग मेरा पूरा पूरा रहता है और रहेगा। और इस माध्यम से हम ये ब्रांच हेड के रूप में जो लिया कार्यभार आप लोगों ने दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है सुमित शर्मा जी से विशेष बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है, वो अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से जो है उनका निर्वहन करेंगे। तो सुमित जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, नमस्कार, आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि अभी भाटपाड़ा क्षेत्र में हम लोगों ने आपकी ब्रांच जो है यहाँ पे ओपन कर दी और आवाज़ न्यूज़ की एक शाखा हमने आपको दी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यभार है। तो यहाँ पे भाटपाड़ा के पास में आप लोगों ने कितने एरियाज को आप लोग जो है आप कवर करेंगे? मैडम, सबसे पहले तो पूरी टीम का धन्यवाद जो हमें इस कार्यभार संभाला है आपने, है ना, संभलाया है। हम इसके प्रति एकदम निष्ठावान रहेंगे, पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, ना भ्रष्टाचारी बनेंगे ना भ्रष्टाचारी यहाँ पे किसी को बनने देंगे, ठीक है। और जो हमारा एरिया है ये भाटपाड़ा में आसपास जो बगरू हो गया, दूधू हो गया, मेला हो गया, है ना, इधर का मानसरोवर जोन हो गया, इस पूरे जोन की हम पूरी देख रेख करेंगे, है ना। यहाँ की जो जो पल पल की खबरें होती है जो निष्पक्ष होगी, किसी झूठी अफवाहों पे ध्यान नहीं देंगे, जो भी अफवाहें होगी उनका पूरी तरह से वो करेंगे, है ना, निचोड़ निकालेंगे। और कभी एक पक्ष में जाके इस तरह किसी पे हावी नहीं होंगे, दोनों पक्षों की सुन के ही कार्रवाई करेंगे और जो भी होगा एकदम निष्ठा से अपनी ईमानदारी से पूरा काम करेंगे और इस चैनल को आगे तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस आवाज़ का जो आगाज़ है वो हमेशा होता रहेगा, आवाज़ का डंका हमेशा बजता रहेगा, क्योंकि आवाज़ के साथ वो पिलर्स जुड़े हैं, वो स्तंभ जुड़े हैं, ना आवाज़ को कभी रुकने देंगे ना कभी झुकने देंगे। तो प्रिय साथियों से एक छोटा सा निवेदन है, अगर सो रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि आवाज़ वाले ना कभी रुके थे ना कभी थके थे, ना वो सोते हैं ना सोने देते हैं। तो भ्रष्टाचारियों को सीधा सा निशाना साधते हुए इतना कहना चाहूँगी, भ्रष्टाचारिता को ख़त्म करें, क्योंकि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और निष्पक्षता से हम लोग काम करते हैं, क्योंकि सच्ची जो पत्रकारिता है उसकी पहचान यही है। सच्ची पत्रकारिता की पहचान निर्भीकता और स्वाभिमान। देखते रहिए आवाज़ न्यूज़ 24 की खास खबर। जय हिंद, जय भारत।